हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो में हमने सेल्फ एडजॉइंट इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिकाटी इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक रिकाटी इक्वेशन। तो देखिए, रिकाटी इक्वेशन हमारे पास क्या है। रिकाटी इक्वेशन में हम क्या करते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन करते हैं। ठीक है, हमारे पास कोई भी सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, हमने क्या लिखी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इज द सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमें फॉर्म क्या करना है, हमें रिकाटी इक्वेशन बनानी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आर टी हमारे पास गिवन है। ठीक है, आर टी एक फंक्शन है, उसको हमने क्या पुट किया, पी टी मतलब पी, यहाँ पर है ना हमारे पास ये हाइएस्ट डिग्री जो सेकेंड ऑर्डर का कोफिशेंट फंक्शन है वो क्या है, पी ओ टी y डैश t अपॉन वाई टी। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन में आप y कर लीजिए क्योंकि हमारे पास y में चल रही है। तो यहाँ पे हमारे पास ये हमने क्या किया, आर टी की वैल्यू को पुट किया। ठीक है, अब सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से हम रिकाटी इक्वेशन को फॉर्म कर रहे हैं, किसकी हेल्प से, इस आर टी की हेल्प से। ठीक है, हमने आर टी की वैल्यू को पुट किया पी ऑफ टी वाई डैश टी अपॉन वाई टी। ठीक है, अब यहाँ से आर टी हमारे पास ये आ गया। अब देखो यहाँ पर हमारे पास तीन फंक्शन है, एक तो क्या है पी फंक्शन, एक है वाई डैश टी, एक है वन अपॉन वाई टी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डेरिवेटिव करना है किसका, आर फंक्शन का। अब यहाँ हम कैसे डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ पे इसको हम मानेंगे एक फंक्शन और इसको हम मानेंगे सेकंड फंक्शन। ठीक है, अब प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं हम यहाँ। अब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, देखो हमने इसका डेरिवेटिव किया, सेकंड फंक्शन एज इट इज़ प्लस में करेंगे तो क्या, ये वाला फंक्शन तो एज इट इज़, और जब इस फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो वो क्या होगा, माइनस वन अपॉन वाई स्केयर इंटू वाई डैश टी। ठीक है, यहाँ पे जस्ट हमने इस आर फंक्शन का डेरिवेटिव किया है। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देखो इसकी वैल्यू, इस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू देखो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, पी ऑफ टी वाई डैश टी। अब इसको जब राइट साइड में लेकर जाएंगे तो इसकी वैल्यू माइनस क्यू ऑफ टी वाई ऑफ टी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। ठीक है, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव है ना पूरे का, तो इसकी वैल्यू क्या आई, माइनस क्यू इंटू वाई। तो यहाँ पर हमने इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दी, अपॉन में वाई ऑफ टी माइनस वन बाय। अब यहाँ पर क्या किया, हमने p से मल्टीप्लाई किया और p से ही डिवाइड किया। इस स्टेप में हमने क्या किया है, p से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दें और p से ही हम क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो ऊपर क्या बनेगा, p का स्केयर और यहाँ पे देखो y डैश का स्केयर। ठीक है, तो p ऑफ t y डैश का हमने होल स्केयर लिख दिया, अपॉन में हमारे पास क्या आया, ये p ऑफ t ये रहा और y स्केयर t ये रहा। ठीक है, तो यहाँ से आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, कुछ नहीं किया यहाँ पे, इसकी तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से वैल्यू पुट की है और यहाँ पी से मल्टीप्लाई किया है और पी से ही डिवाइड किया और टर्म्स को आगे पीछे करके लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाली चीज़ आ गई, अब यहाँ से वाई कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस क्यू ऑफ टी। यहाँ देखो, अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि हमने आर टी की वैल्यू क्या पुट की थी, आर हमारे पास था पी वाई डैश अपॉन वाई। तो यहाँ से देखो पी y डैश अपॉन y, अब इसका क्या आ रहा है, स्केयर है ना, ऊपर भी स्केयर है और नीचे भी स्केयर है, तो इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, r स्केयर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस टर्म की जगह क्या पुट कर दिया, r स्केयर। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास इसको जब हम लेफ्ट में लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएंगी टर्म्स और यही इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, दिस इज नोन एज रिकाटी इक्वेशन। ठीक है, तो हमने क्या किया, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन लेकर चले थे, वहाँ से हमने सबसे पहले आर टी की वैल्यू को आपको याद रखना है, आर टी हमने क्या किया था, पी वाई डैश अपॉन वाई, एंड देन उसके बाद डेरिवेटिव किया हमने और उस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ टर्म्स का यूज करके हमने रिकाटी इक्वेशन को फॉर्म कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास रिकाटी इक्वेशन थी। अब यहाँ पर ये तो हमने जस्ट फॉर्म किया सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से, अगर कोई पूछे जनरल रिकाटी इक्वेशन क्या होती है, तो जनरल रिकाटी इक्वेशन हमारे पास इस टाइप की होती है, ये हमारे पास क्या है, जनरल रिकाटी इक्वेशन। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं कि सेकेंड ऑर्डर के जो सोल्यूशन है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन और हमारे पास रिकाटी इक्वेशन का सोल्यूशन, इन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखो
हमारे पास हमने मान लिया जो u है वो क्या है, सॉल्यूशन है सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब अगर वो सॉल्यूशन है तो इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा, इट मींस अगर y की जगह हम u भी रख दे तो वो सेटिस्फाई करेगा ना उसे। तो यहाँ पे जब हमने सब्स्टिट्यूट की थी वैल्यू तो क्या था, r इज इक्वल्स टू पी वाई डैश, बट अब सॉल्यूशन हम किसे बोल रहे हैं, u को बोल रहे हैं, तो इट मींस यहाँ पे u सेटिस्फाई करेगा ना इस चीज़ को। तो हमने ये वाली चीज़, तो r की वैल्यू चेंज हो जाएगी, r इज इक्वल्स टू पी यू डैश अपॉन यू, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, आर यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर यू इज इक्वल्स टू पी यू डैश, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये वाली चीज़ लिख दी। अब हमने क्या किया, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ डेरिवेटिव कर दो, यहाँ प्रोडक्ट रूल लग जाएगा क्योंकि आर और यू दोनों ही टी के फंक्शन हैं। तो यहाँ हो जाएगा आर का डेरिवेटिव यू एज इट इज प्लस में आर एज इट इज एंड यू का डेरिवेटिव, ठीक है। अब हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है, इस टर्म की वैल्यू आ गई। अब बोल रहा है नाउ इक्वेशन फर्स्ट इम्प्लाइज दैट, अब हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी, ये थी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास थी पी ऑफ, देखो अब हमारे पास u इसका सॉल्यूशन है तो u इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा, ऑब्वियस ही बात है। तो u जब इसको सेटिस्फाई करेगा तो हमारे पास क्या बनेगी इक्वेशन, देखो u सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन फर्स्ट को, तो हम अगर y की जगह u पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में तो हमारे पास इक्वेशन कुछ ऐसे बनेगी, p u का डेरिवेटिव डेरिवेटिव प्लस में q ऑफ u इज इक्वल्स टू जीरो, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगी जब हम y की जगह u पुट करेंगे। और हम ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि u सॉल्यूशन है इक्वेशन नंबर फर्स्ट का, ऑल राइट। अब इसके बाद देखिए हमने वैल्यू किसकी फाइंड आउट की है, p u के डेरिवेटिव का होल डेरिवेटिव, मतलब इसकी वैल्यू फाइंड आउट की है। देखा जाए तो इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस, ठीक है ये एज इट इज रहने दो, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट की तो हमारे पास क्या आ गया, आर डैश यू प्लस आर यू डैश। तो इसकी वैल्यू को उठा के, ये वाली वैल्यू को उठा के हम यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, आर डैश यू, ये देखो लिख रखा आर डैश यू प्लस में आर यू डैश एंड प्लस में क्यू ऑफ यू एज इट इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। कुछ नहीं किया, जस्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इसकी वैल्यू को उठा के पुट किया। अब देखो नेक्स्ट, यहाँ से अब हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन आने के बाद हमने क्या किया, इस इक्वेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि अभी देखो आपने r को क्या पुट किया था, पी यू डैश बाई यू, आर को हमने पुट किया था पी यू डैश बाई यू। तो यहाँ पे हमने क्या किया इस इक्वेशन में, आर डैश यू एज इट इज, आर यू डैश एज इट इज प्लस में क्यू एज इट इज, बट u की वैल्यू चेंज हो गई, u की जगह हमने क्या रख दिया, पी यू डैश बाई आर, यहाँ से इंटरचेंज कर दो r और u को, तो हमारे पास क्या बनेगा, u इज इक्वल्स टू पी यू डैश अपॉन r। तो हमने यहाँ पर u की वैल्यू पुट कर दी पी यू डैश अपॉन r, तो ठीक है हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब नेक्स्ट देखिए हमने क्या किया, पूरी की पूरी इक्वेशन को u से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से तो u हट जाएगा, यहाँ पे u डैश अपॉन u, यहाँ पे क्या बनेगा q बाय r पी यू डैश बाय u, क्योंकि हमने क्या कर दिया होल इक्वेशन को u से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद r डैश ये टर्म एज इट इज, अब यहाँ पे हमने क्या किया r बाय p, अब ये चीज़ देखो कैसे आई है, देखो सेकंड टर्म में हमने क्या किया, जो हमारे पास r था, r की वैल्यू क्या थी पी यू डैश बाई यू, तो ये r की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, देखो ये क्या है पी यू डैश बाई यू। अब हमारे पास u डैश बाई यू की वैल्यू भी है, अब यहाँ से जब हम u डैश बाई यू की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा r बाय पी, तो u डैश बाई यू की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई r बाय पी, ठीक है। प्लस में q बाय r पी यू डैश बाय यू, ये वाली टर्म लास्ट वाली एज इट इज लिख दी हमने यहाँ, क्लियर। अब इसके बाद देखो r डैश प्लस, अब इसकी वैल्यू हमारे पास क्या थी r ही थी, मतलब यहाँ से दोबारा पुट करने की ज़रूरत नहीं थी, r को एज इट इज़ रख दे, सिर्फ u डैश बाई यू की वैल्यू को पुट कर लेते तब भी काम चल जाता, ठीक है। तो r डैश प्लस में ये क्या बनेगा, किसकी वैल्यू थी r की, तो r स्क्वायर बाई p प्लस में क्यों, क्योंकि ये वैल्यू किसकी है हमारे पास r की वैल्यू है ना ये, तो r से r हमारे पास कैंसिल हो जाएगा प्लस में क्यों इज इक्वल्स टू जीरो।
ये हमारे पास क्या आ गई, एक इक्वेशन आ गई। तो इट मींस क्या हुआ कि जो आर है हमारे पास वो सॉल्यूशन बन जाएगा इक्वेशन नंबर थर्ड का, क्योंकि आर ने रिकार्टी इक्वेशन है ना इक्वेशन नंबर थर्ड में इसको सेटिस्फाई कर दिया। और आर हमने किसकी हेल्प से बनाया था, इस बार सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन की हेल्प से बनाया था। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया था, यू जो कि सॉल्यूशन था सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इससे हमारे पास क्या आ गया कि जो हमने आर लिया था वो सेटिस्फाई कर रहा है रिकार्टी इक्वेशन को। इट मीन्स आर इज अ सॉल्यूशन ऑफ रिकार्टी इक्वेशन जो कि इक्वेशन नंबर थर्ड थी। ठीक है, अब इसके बाद इसने क्या किया है, यहाँ से अब हमने क्या किया, यू का अगर हमें पता था, ठीक है, अगर हमें यू का पता था मतलब डिफरेंशियल सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें पता था, तो उसकी हेल्प से हम क्या फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, रिकार्टी इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन कौन होगा, आर ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अब हमें क्या करना है, आर की वैल्यू को देखो, अगर हमें आर आर मिल गया, ठीक है, अगर हमें आर की वैल्यू पता है, रिकार्टी इक्वेशन का सॉल्यूशन पता है, तो उससे अब हम क्या करेंगे, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे जो कि क्या था, यू था। तो अब आर की हेल्प से किसको फाइंड आउट करेंगे, हम यू को फाइंड आउट करेंगे। तो देखो आर हमने यही चीज लेट की थी, अब हमने यहाँ पे क्या किया, यू डैश बाई यू को एक तरफ रखा, आर बाई पी हमने एक तरफ कर लिया, यहाँ से हमने यू वाली टर्म्स को एक तरफ रख लिया और टी आर बाई पी इंटू डी टी इनको एक तरफ किया। अब हमने क्या किया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लिया। इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो लेफ्ट में हमारे पास बनेगा लॉग ऑफ यू और राइट में इंटीग्रेशन जीरो टू टी।